हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी और टेस्टी रवा उपमा की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही हेल्दी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, हल्की फुल्की भूख के लिए भी आप इसको बना सकते हो। तो चलिए बनाते हैं इजी और टेस्टी रवा उपमा की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी सूजी। सूजी आप मोटी या बड़ी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच देसी घी। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये सूजी। अब हम इसको ऐसे धीरे धीरे चलाते हुए इसको भूंजेंगे। ये देखिए, ऐसे चलाते हुए हमने इसको ब्राउन नहीं करना है गाइस, हल्का ही हमने इसको ऐसे भूंजना है 3-4 मिनट के लिए मीडियम आंच में। ये देखिए, सूजी हमारी भूंज गई है 2-3 मिनट के बाद। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। इधर हमने फिर से कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। अब हम इसमें मूंगफली के दाने, ये देखिए एक कटोरी मैंने मूंगफली के दाने ले लिए हैं। अब हम इसको हल्का हल्का ऐसे मीडियम आंच में भूंजेंगे। ये देखिए, 2 मिनट के बाद मूंगफली के दाने हमारे भूंज गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब हम उसी घी में 1 चम्मच काली वाली सरसों डाल देंगे, जिसे हम राई बोलते हैं। ये देखिए, हमारी राई चटकने लगी है। राई चटकना बहुत जरूरी है गाइस, इससे कड़वापन नहीं आता है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई 1 चम्मच अदरक। अदरक का जो स्वाद है इसमें बहुत ही अच्छा आता है। हम इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई बारीक। हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चने की दाल। 1 चम्मच हम डाल देंगे उड़द की दाल। ये गाइस इसमें बहुत ज़रूरी है, इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 5-6 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते का जो स्वाद है इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कटे हुए प्याज। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है गाइस। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कटी हुई, ये देखिए गाजर हमने डाल दी है। 1/2 कटोरी हमने मटर के दाने डाल दिए हैं। आप चाहें तो कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको ऐसे चलाते हुए मीडियम आंच में हमने पकाना है कि सब्जियां हमारी बढ़िया से पक जाएं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है गाइस, हेल्दी भी बहुत ही होता है खाने के लिए, क्योंकि सब्जियां इसमें ऐड हैं, ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे मूंगफली के दाने, जो हमने इनको हल्का सा ब्राउन किया था। ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे 3 कटोरी पानी। 1 कटोरी हमने सूजी ली थी,
उसी को नापकर हमने 3 कटोरी इसमें पानी डालना है। ये गाइस बहुत ज़रूरी है। 1 कटोरी सूजी में आप 3 कटोरी मापकर पानी डालिए, उसका 3 भाग। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसको उबालेंगे पानी को। ये देखिए बढ़िया से हमारा ये उबल चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे भूंजी हुई सूजी को डालेंगे। आप ये देखिए धीरे धीरे ही डालिए, नहीं तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी। ऐसे चलाते हुए ये देखिए ये बढ़िया से पकना शुरू हो गई है सूजी हमारी। इसका कलर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है गाइस। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी फिर से। देसी घी डालने से गाइस ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही नरम मुलायम बनेगा। इसको हमने ऐसे मीडियम आंच में धीरे धीरे 4-5 मिनट के लिए ऐसे पकाते हुए हम इसको चलाएंगे। ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे ये नींबू, कटा हुआ हमने 1/2 नींबू का रस डाल दिया है, और बारीक कटी हुई हमने इसमें धनिया डाल दी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। नींबू का जो स्वाद है इसमें खट्टापन बहुत ही अच्छा आएगा गाइस। ये देखिए ये बनकर तैयार है। ये देखिए गाइस हमारी रवा उपमा बनकर तैयार है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी? अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। तो देखने के लिए मेरी वीडियो शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।